नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। माध्यान्ह भोजन भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारणा और उपस्थिति और इनके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1955 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। माध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वास्थ्य विकास के रूप में कार्य करता है। वह माध्यान्ह भोजन को संचालित करने में महिलाओं को रोजगार की उपयोगी स्रोत भी प्रदान करता है। प्रशासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला बगई कोन्हा सिरपुर में कीर्तन साहू की दबंगई के चलते बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जगजननी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से कीर्तन साहू विगत 12 वर्षों से माध्यान्ह भोजन का संचालन कर रहा है। बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जाता है। पर्याप्त सामग्री जो शासन द्वारा निर्धारित है उसकी धज्जियां उड़ाने में कीर्तन साहू कोई कसर नहीं छोड़ता। पालकों व शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ आवेश में बात करता है, गांव में दबंगई दिखाता है व राजनीतिक पहुंच की बात कर शिक्षकों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह शिकायत के बाद भी ये व्यक्ति शिक्षकों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। अधिक समय से माध्यान्ह भोजन का संचालन करने के कारण शिक्षकों को भी मानसिक दबाव में रखता है व मनमानी करता है। कीर्तन साहू द्वारा अगस्त माह का सूखा राशन वितरण में चावल को छोड़कर शेष सामग्री का वितरण नहीं हुआ है। शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार पर्याप्त सामग्री प्रदान नहीं करता। एक शिक्षक ने इसी बात को उठाने की कोशिश की तो उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया व प्रिंसिपल खोलझर को बुलाकर मामला दबाया गया और फिर उस शिक्षक को हटवा दिया गया। इस दबंगई व मनमानी के कारण पालकों में काफी आक्रोश है व पालक गण और शाला समिति के सदस्यों ने इस कीर्तन साहू को हटाने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिए, पर शिक्षा विभाग द्वारा सारी प्रक्रिया को अनदेखी करना कई सवाल उपज रहे हैं। सदस्य 12 लोग हैं। मध्याह्न भोजन चला था, चावल दाल भोजन देखा। बच्चों और पालकों में कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि मेनू के आधार पर बच्चों को भोजन प्रदान नहीं किया जाता, इस बारे में क्या कहना है आपका? हमको मालूम नहीं किया, हमको मालूम नहीं। मैं कीर्तनराम साहू मध्याह्न भोजन के संचालित करने के लिए मात्र सब्जी के व्यवस्था के लिए ही बाजार आने जाने का कार्य करता हूँ, बाकी जो समूह है उसका संचालन करती है। ये शुरू